नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है हमारे YouTube चैनल फ्री कंप्यूटर ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज हमारे पास है आईबल मार्बल कटर, जिसकी मॉडल नंबर है IBL MC25-84। तो इसी आईबल मार्बल कटर को आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी 230 वोल्ट, और अगर आप इनपुट यानी कि पावर कंजप्शन की बात करें तो यहाँ पे ये जो कटर है ये 1300 वाट पावर कंजप्शन करता है, और फुल लोड स्पीड जो है इसका 13000 RPM, यानी कि 13000 रोटेट पर मिनट। व्हील डाया जो है 125 mm की व्हील इसमें आपको इस्तेमाल करना है, यानी कि 5 इंच वाला ब्लेड जो है आपको यहाँ पे यूज़ करना है दोस्तों। तो ये है दोस्तों आपके सामने आईबेल मार्बल कटर IBL MC25-84, जिसको आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे। तो आप इस कटर के ज़रिए मार्बल या फिर टाइल्स जो है कटिंग कर सकते हैं, और उसके साथ साथ अगर आपको रॉड वगैरह कट करना है या फिर कोई वुड का सामान ले लीजिए उसको कटिंग करना है, तो आपको उसके लिए ब्लेड जो है चेंज करना है दोस्तों। आप ब्लेड चेंज करके इसको मल्टीपर्पस यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल इसमें जो दिया गया है ये स्पेशली मार्बल कटर के लिए दिया गया है, यानी कि इसके अंदर एक मार्बल कटिंग ब्लेड जो है इंक्लूड किया गया है दोस्तों, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा इस तरह का एक यूज़र मैनुअल कम वारंटी कार्ड, प्रोडक्ट वारंटी इसमें आपको मिल जाएगा दोस्तों। उसमें भी सारे डिटेल्स मेंशन किया गया है, जैसे कि वेबसाइट के साथ साथ ईमेल आईडी भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, और उनका हेड ऑफिस जो है पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा दोस्तों। तो इसको साइड में रख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके बक्स के अंदर और क्या मिलता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक कवर के अंदर पाइप और एक टी रेंच मिलेगा दोस्तों। ये जो पाइप है ना दोस्तों, ये पाइप को आपको मार्बल या फिर ग्रेनाइट कटिंग के टाइम पे पानी देने के लिए यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको साइड में रख लेते हैं। उसके बाद देखते हैं, ये है आपका मार्बल कटर, आईबेल की मार्बल कटर, और उसके साथ यहाँ पे एक मार्बल कटिंग का ब्लेड और एक दूसरा रेंच भी दिया गया है दोस्तों। ये है आपका मार्बल कटर, आईवेल का मार्बल कटर। तो लुक काफ़ी अच्छा है दोस्तों, फिनिशिंग भी बहुत बढ़िया है, और नीचे वाला जो हिस्सा दिया गया है वो बिल्कुल स्टील जैसा दिख रहा है। थोड़े दिन यूज़ करने के बाद पता चलेगा इसकी जो मटेरियल है उसकी क्वालिटी क्या है। तो जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ दोस्तों, अगर आप इस कटर को आयरन कटिंग या फिर वुड कटिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए सेपरेट ब्लेड आता है। तो जब भी आप ब्लेड ले हैं इसी मॉडल के लिए, तो आपको 5 इंच वाला ब्लेड मांगना है दोस्तों। दुकान से 5 इंच वाला ब्लेड लाइए और इस पर फिटिंग करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप प्राइस की बात करें तो आपको ये ऑनलाइन 2700 रुपये में मिलता है दोस्तों। तो अगर ख़रीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया गया है, आप वहाँ से क्लिक करके भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा अनबॉक्सिंग प्रोसेस ऑफ आईबेल मार्बल कटर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।